वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 36 गाड़गे महाराज इन इंग्लिश भालभारती टेक्स्ट बुक इन क्लास 3। बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन इन क्लास 3 इन इंग्लिश भालभारती टेक्स्ट बुक। आज बच्चों हम ऐसा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे एक इंसान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है गाड़गे महाराज। उन्होंने इतने अच्छाई की है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, कि वो बहुत अच्छे संत हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छी थॉट्स, अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाया है। तो आज हम उनके बारे में सीखेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, अपनी लाइफ कैसे स्पेंड किया और कितने साधारण ज़िंदगी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। तो गाड़गे महाराज बहुत अच्छे इंसान हैं। सी आवर चैप्टर इज गाड़गे महाराज। गाड़गे बाबा वॉज अ मॉडर्न सेंट। अभी गाड़गे बाबा है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ गाड़गे बाबा, मतलब ही वॉज अ मॉडर्न सेंट। अभी सेंट हम किसको बोलते हैं, जो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, जो गॉड को बहुत वर्शिप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना बाबा है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं और जैसे जो हिंदू लोग रहते हैं वो लोग कहाँ वर्शिप के लिए जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। जो क्रिश्चियंस रहते हैं वो चर्च में जाते हैं वर्शिप करने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए। जो मुस्लिम्स रहते हैं वो कहाँ जाते हैं बच्चों, वो अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद में जाते हैं। और लेकिन जो पंजाबी होते हैं वो कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स के लोग अपने अपनी इबादत गांवों में जाते हैं, लेकिन सबका खुदा एक ही है। तो गाड़गे बाबा जो है, जो बहुत ही अच्छे सेंट, अच्छे संत है, सेंट है मतलब जो खुदा की बहुत इबादत करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाई है। ही लिव मैनी ईयर्स अगो बट ही स्टिल रिमेंबर फॉर द ग्रेट वर्क ही डिड इन थाउजेंड ऑफ प्लेस। मतलब उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी गुजारी है लेकिन उन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने बोलते हैं ना ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे वाले काम किए जिनको सारी दुनिया याद करती है। तो बच्चों देखो, हमारे जैसे कंट्री में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं ना, जैसे बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने बोलते हैं ना अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की जिससे हमारा कंट्री आज़ाद हुआ। लेकिन जो गाड़गे महाराज है वो ऐसे मॉडर्न सेंट हैं जो खुदा की बहुत इबादत करते थे, बहुत पूजा करते थे, लोगों को बहुत हमेशा अच्छी रास्ते पे चलने के लिए बोलते थे। उन्होंने बहुत बहुत सारे जगहों में अच्छे काम किए और आज भी दुनिया उनको अच्छे कामों से याद करती कि गाड़गे महाराज बहुत अच्छे इंसान थे। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छे काम किए हैं। सी हियर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गाड़गे महाराज। व्हाट डिड ही लुक लाइक? सिल्वर हेयर, ब्राउन आइज, फेयर स्किन, बिग टॉल एंड स्टाउट बॉडी। अभी जो गाड़गे महाराज है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैसा है, उनके बाल एकदम सिल्वर है, एकदम बूढ़े से हो गए हैं। उनकी आंखें कैसी है बच्चों, ब्राउन है। और उनकी जो स्किन का कलर है ना, जैसे हमारी स्किन का कलर ब्राउन होता है, डार्क ब्लैक होता है, फेयर होता है, तो उनकी स्किन का कलर कैसा है बच्चों, फेयर है, मीन्स गोरा है। अब बिग है और टॉल एंड स्टाउट बॉडी, उनकी बॉडी कैसी है, अच्छे मतलब हेल्दी उनकी बॉडी है, मतलब अच्छे एक स्ट्रांग बॉडी का स्ट्रक्चर है। ही रैप अ लुंगी अराउंड द रेस्ट अराउंड द ही रैप अ लुंगी अराउंड द वेस्ट एंड वोर अ टोन बट अ क्लीन शर्ट। अभी उनका आप देख सकते हो बॉडी का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो कैसे इंसान थे, बिल्कुल साधारण से इंसान थे, कि वो कैसे अपना कपड़ा कैसा पहनते थे, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो बहुत हेल्दी थे। और वो अपने वेस्ट पे क्या पहनते थे, साधारण से सिंपल सी सादी थी लुंगी और एक जैकेट्स पहन लेते थे और एक शॉल लेते थे जो बल्कि फटी हुई रहती थी, भले फटी हो तो क्या हुआ लेकिन वो पहन लेते, लेकिन वो साफ सुथरा कपड़ा पहनते थे। अ क्लोज शू अडॉन वन फुट वाइल द अदर फुट वॉज मैनी टाइम्स बेयर। अभी वो अपने एक पाँव में क्या करते थे बच्चों, कभी कभी चप्पल पहनते थे, कभी दूसरा पाँव क्या करते थे बच्चों, नंगे ही मतलब न्यूडी रहने देते थे, मतलब बिना पाँव के। जैसे हम भगवान की जगह पे जाते हैं ना, जब हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो हम शूज़ पहन के जाते हैं, नहीं हम तो शूज़ निकाल के भगवान के पास जाते हैं ना उनकी पूजा करने के लिए। तो वो गाड़गे महाराज वो कैसा रहते थे, वो शूज़ निकाल के ही बाहर रहते थे। He
ऑलवेज कैरीड अ बोल एंड अ स्टिक, मतलब उनके हाथ में क्या रहता था बच्चों, एक स्टिक रहती थी, एक बोल रहता था, एक मतलब ये एक जो बोल रहता है ना, एक जिसको हम कटोरा बोलते, एक स्टिक, एक छड़ी रहती थी उनके हाथ में, हमेशा एक छड़ी रहती थी और एक कटोरा रहता था, ऐसा जो बच्चों, दिस इज अ पिक्चर ऑफ बोल। सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ गाड़गे महाराज, और उनके हाथ में क्या रहती थी, एक छड़ी रहती थी, उनके हाथ में एक बोल रहता था जिसको हम कटोरा बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बोल और गाड़गे पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम गाड़गे बाबा और गाड़गे महाराज, मतलब उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर, उनके जो हुलिये से, मतलब वो कैसे ड्रेसिंग मारते थे, सिंपल से साधारण से लुंगी पहनते थे और शर्ट पहनते थे, मतलब पुराने कपड़े भले रहते थे लेकिन उनके कपड़े हमेशा साफ सुथरे रहते थे, कभी कभी वो चप्पल पहनते थे, कभी कभी नहीं, चप्पल भी नहीं पहनते थे। उनके हाथ में क्या रहती थी बच्चों, छड़ी रहती थी, उनके हाथ में एक बोल कटोरा रहता था, जिससे लोग उनसे उन्हें क्या बुलाने लगे, गाड़गे बाबा। जैसे हमारे हमारे एरिए में रहते होंगे ना, देखो जहाँ पे मंदिर रहते होंगे, देखो वहाँ पे कोई साधु और जो संत रहते हैं ना, जो बहुत भगवान की पूजा करते हैं, तो उसे उसे हम क्या बोलते हैं, बाबा, गाड़गे बाबा और गाड़गे महाराज बोलते थे लोग। हिज रियल नेम वॉज देबीजी जिंगराजी जानोकर, मतलब उनका असली नाम क्या था, देबोजी जिंगराजी जानोरकर, ये गाड़गे महाराज का रियल नाम क्या है, रियल नाम क्या था बच्चों, देबोजी जिंगराजी जानोरकर, मतलब देबोजी जिंगराजी जानोकर उनका रियल नाम था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से क्या बताते थे, गाड़गे बाबा गाड़गे महाराज। उन्होंने हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लोगों को बहुत अच्छी बातें सिखाए, जिनको आज भी दुनिया अच्छे काम से उन्हें याद करती है। He never stayed long in one place. He slept only on a rough blanket and used only his own arm as a pillow. मतलब वो कभी भी जिस जगह में जाते थे अच्छे काम के लिए, वो ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रुकते थे, मतलब वो कैसे सोते थे, एक सिंपल सी जो ब्लैंकेट होती है ना, रज़ाई होती है ना बच्चों, सिंपल सी रज़ाई में सोते थे, और वो एक ही अपना एक पिलो लेते थे और आर्म्स रख के सो जाते थे। He roamed from village to village spreading his message of cleanliness, humanity and the importance of education. अभी गाड़गे महाराज है वो विलेज टू गांव से गांव तक जाते थे, मतलब जो गाड़गे महाराज है उन्हें उनका मैसेज क्या था, अच्छे काम करना, क्लीनिनेस करना, ह्यूमनिटी करना, मतलब सफाई से रहना, अच्छे काम करना, तालीम सिखाना, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव करना, लोगों की मदद करना, मतलब किसी को मारना नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, मतलब वो अच्छे अच्छे मैसेज किसको देते थे, अच्छे अच्छे मैसेज किसको, गाँव में जाते थे और लोगों को अच्छे मैसेज देते थे, मतलब उनका मैसेज क्या रहता था, क्लीनलीनेस, मतलब हर जगह हमेशा सफाई रहनी चाहिए, ह्यूमैनिटी, मतलब अच्छे से लोगों के साथ पेश आना, लोगों की मदद करना और परेशानी में लोगों का साथ देना, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मतलब लोगों को पढ़ाना, लोगों को तालीम देना। आप देख सकते हो कि गाड़गे महाराज जो हैं वो गांव से विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे और लोगों को अच्छा मैसेज देते थे, हम जहाँ भी रह रहे हैं हम अपने कंट्री को, हमारे सिटी को, हमारे टाउन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा, ये चोरी, खून खराबा, ये झगड़ा, ये सब ह्यूमैनिटी, ये अच्छे काम करने चाहिए हमारे कंट्री में, हमारे सिटी में, लोगों को हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, और हमें बोलते हैं ना, हर शहरों में हमें पढ़ाई, मतलब एजुकेशन बढ़ाना चाहिए, अगर हम पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, सोल्जर बनेंगे, तभी तो हमारा जो देश है, जो इंडिया है, तभी तो अच्छे काम करके कामयाब होगा। He was not bothered by hunger or thirst. मतलब उन्हें वो इतना अच्छा काम करते थे, उन्हें भूख के उनको भूख का उनकी भूख की भी परवाह नहीं रहती थी और प्यास की भी परवाह नहीं रहती थी। What he liked was भजन, कीर्तन एंड टीचिंग पीपल, मतलब उन्हें ज़्यादा क्या पसंद था, लोगों को भजन सिखाना, जो भगवान की गीत होती है ना, और कीर्तन सिखाना, अच्छी स्टोरी सुनाना, जिन्होंने अच्छे काम किए, और लोगों को अच्छी बातें सिखाना। थाउजेंड ऑफ पीपल फ्लॉक टू लिसन टू हिज कीर्तन, मतलब लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी उनकी बातें सुनने के लिए। जैसे हम
अगर कोई वर्शिप की प्लेस में जाएंगे, हम मंदिर में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे या चर्च में जाएंगे, तो हमारे देखो मंदिर में देखो हमारे एक बाबा रहते, साधु रहते, जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते कि हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर हम चर्च भी जाते तो देखो वहाँ पे जो फादर रहते वो भी हमें अच्छी बातें सिखाते कि हमें चोरी नहीं करना है, हमें किसी को तकलीफ नहीं देना है, हमें अच्छे काम दुनिया में करना है। अगर हम मस्जिद जाते देखो मस्जिद में देखो हमारे जो मौलाना होते हैं तो देखो वो भी हमें अच्छी बातें सिखाते कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, रिश्वत नहीं लेना चाहिए, लड़ाई झगड़ा खून खराबा ये सब काम नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा आपस में एकता बनाए रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुँचे। और जो कीर्तन ये जो है गाड़गे बाबा है उनका क्या काम था, लोगों को भजन भजन सुनाना और कीर्तन सुनाना और लोगों को अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी तालीम देना, जिससे लोगों की भीड़ जमा होती थी और लोग उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनते थे। हिज कीर्तन यूज टू बी वेरी लिवली वेरी लाइवली ही वुड नॉट सिंपली गिव लेक्चर्स, ही वुड ऑफन पुट क्वेश्चन टू ऑडियंस टू कीप अप देयर इंटरेस्ट। अभी जो उनके जो कीर्तन रहते थे, उनके जो भजन, उनके जो गीत रहते थे, वो बहुत ज़िंदगी से रिलेटेड रहते थे, हमारी लाइफ से रिलेटेड रहते थे। मतलब लोगों ने दुनिया में आए हुए लोगों ने खुशी का भी सामना किया है और अब बोलते हैं ना और मुसीबत का भी सामना किया कि हमें कैसे दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कि हमें अच्छे टाइम पे भगवान का शुक्रिया करना चाहिए और बुरे टाइम पर हमें सब्र से काम लेना चाहिए, कि हमें हमेशा भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। ही वुड नॉट सिंपली गिव लेक्चर, मतलब वो सिंपल सा सिर्फ लेक्चर नहीं देते, मतलब वो क्वेश्चन भी बोलते थे लोगों के, आज के आप भजन में, आज के आपने कीर्तन में, आज आपने क्या सीखा। Then you show them how absurd they were in their words and action. For example, you ask कि वो बोलते थे हमें हमेशा भगवान की पूजा करना चाहिए, how many gods are there, जैसे वो लोगों के क्या पूछते हैं हमारे कितने खुदा है, लेकिन हमारा खुदा तो सिर्फ एक ही है। भले हमारे कंट्री में बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पंजाबी, लेकिन सबका खुदा बच्चों एक ही है। यू वर्शिप खानदोबा, मासोबा, यूरोबा, वेटल एंड सो ऑन, यू वर्शिप मैनी मोर, डोंट यू, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, तुमने कितने सारे लोगों की पूजा करते हो, खानदोबा, मोसाबा, यूरोबा, वेटल, ये सब कौन है बच्चों, भगवान के नाम है, लोग उनकी पूजा करते, तो लोग क्या बोलते थे, यस, यू एर योर एक्शन शो डैट यू बिलीव डैट देयर नंबर ऑफ गॉड्स एंड येट यू सेड अ लिटिल वाइल अगो डैट यू वर्शिप ओनली वन गॉड, वर यू असलीप देन। अभी ये जो गाड़गे महाराज है वो क्या बोल रहे हैं, लोगों को क्या सिखा रहे कि आप लोग बहुत सारे खुदा की पूजा करते हैं, खानदोबा की, मासोबा की, वीरोबा की, विटल की, लेकिन आप बहुत सारे, लेकिन आपको पता नहीं भाई हमारा खुदा तो सिर्फ एक ही है, क्या आप लोग सो रहे थे, हमें सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी चाहिए। दिस ऑडियंस वुड बी टेकन बाय द सरप्राइज, अब लोगों को तो बहुत ताज्जुब हो रहा, उन्हें लग रहा तो हमारे तो बहुत सारे खुदा है, बहुत सारे बाबा है, लेकिन ये लोगों को बस सरप्राइज वाली बात है कि गाड़गे महाराज ने क्या सिखाया हमें कि हमारा खुदा, हमारा गॉड इज ओनली वन, अब वी शुड वर्शिप ओनली वन गॉड, हमें सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी चाहिए, एक ही खुदा को हमें पूजना चाहिए। देन दे वुड लिसन मोर अटेंटिवली टू द बाबा एंड बाबा वुड से, फिर लोग गाड़गे महाराज की बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे, गाड़गे महाराज क्या बोल रहे हैं। यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न ऑफ फॉर हिज फेवर, डोंट यू, वेस वी डू, जैसे हमें हमारी कोई विश रहती है, हमारी कोई ख्वाहिश रहती है, जैसे बच्चों हमें एग्जाम में पास होना होता है, हमें अच्छे मार्क्स लाना होता है, हमें कोई गिफ्ट चाहिए रहता है, तो हम भगवान को प्रे करते हैं ना कि गॉड हमें ये चीज़ें दे दो, हमारे एग्ज़ाम अच्छे से जाए, हमारे मार्क्स अच्छे आए, जिससे हमारे मम्मी पापा खुश हो जाए और जिससे हमारे मार्क्स बढ़ जाए और हमें बहुत सारे प्राइज मिले, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, हमें बहुत सारे टॉयज मिले। हम गॉड को प्रार्थना करते हैं ना, गॉड हमें ये दो, एंड डोंट यू से गॉड माई चाइल्ड इज़ इल, प्लीज़ मेक हिम वेल, आई विल ऑफर यू अ गॉड, वेस वी डू। अभी यहाँ पे जब हम हमारे मम्मी पापा किसकी पूजा करते हैं, हमारे भगवान की, जब लेकिन हमारा जब बच्चा बीमार हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर के पास तो दिखाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना, हम भगवान के की मंदिर में जाते हैं, हम कैसा मन्नत मांग लेते हैं कि अगर हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं क्या
एक बकरा क्या करूँगा, उसे कुर्बान करूँगा, वो भी भगवान की राह में उसे कुर्बान करूँगा, उसका बलि दूंगा, वो भी खुदा की राह में। हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, हमारे देखो हमारे हम तो नहीं करते होंगे, देखो बच्चों हमारे मम्मी पापा ज़रूर करते होंगे, अगर हमें हमारी कोई विश हमारी कोई ख्वाहिश मन्नत पूरी करनी है तो हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी मन्नत जो पूरी हो जाएगी तो हम भगवान की राह में एक बलि चढ़ाएंगे, जिसे हम एक बकरा चढ़ाएंगे, जिस बकरे की बलि देंगे, जिससे भगवान हमारा बहुत खुश होगा। एंड यू टू से डेट इफ गॉड्स लेट्स गो टू लेग लू लेग चाइल्ड विल ऑफर हिम इन रिटर्न ऑफ फोर लेग एनिमल वी डू। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, गाड़गे महाराज क्या बोल रहे हैं, क्या हम भगवान को ये नहीं बोलते अगर बच्चा हम अभी गॉड हमें अगर हमारा भगवान हमें सही सलामत अच्छा दो पैरों वाला अगर बच्चा दे देगा तो हम भगवान को भगवान की राह में कितने चार पैरों वाला जानवर हम भगवान की राह में बलिदान करेंगे। हम ऐसी ऐसी मन्नतें मांगते ना बच्चों। देखो आपके मम्मी पापा ज़रूर ऐसा करते होंगे, देखो अगर हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करनी होती है, हमारी कोई मन्नत पूरी करनी होती है तो हम भगवान से बहुत रिक्वेस्ट करते, बहुत गिड़गिड़ाते कि अगर हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं नारियल चढ़ाऊँगा, मैं जानवरों की बलिदान दूंगा, मैं बकरे की कुर्बानी करूँगा, मैं जानवरों की कुर्बानी करूँगा, मैं बोलते हैं ना मुर्गी की कुर्बानी करूँगा। हम ऐसी ऐसी मन्नतें मांगते हैं। वाई कैन गॉड हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड टू वर्ल्ड बी सो क्रूअल वर्ल्ड वाई कैन गॉड हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड बी सो क्रूअल कैन ही बी सो ग्रीडी कैन ही बी ब्राइब अभी नो अभी यहाँ पे गाड़गे महाराज क्या बोल रहे, हमारा जो गॉड है वो बहुत बड़ा, उन्होंने सारी दुनिया बनाई है, क्या वो इतना बड़ा जालिम है, अगर क्या वो इतना लालची है, अगर आप ये सब बलिदान नहीं दोगे क्या आपका हमारा खुदा हमसे नाराज़ होगा? नहीं, हमारा खुदा हमसे नाराज़ नहीं होगा, वो हमसे बहुत प्यार करता है, हमें उसकी सारी बातों को मानना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए जो हमें गॉड ने सिखाया है। Do you think killing and eating of one of the God's creature will please him? Will he bless you for that? क्या आपको किसी को जानवर को मारना और उसको बलिदान करके गॉड की राह में बलिदान करके डालना, क्या गॉड आपसे उससे खुश होगा कि हमें किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए क्योंकि वो भगवान की मतलब भगवान ने भी किसको बनाया, एनिमल्स को बनाया, उसे हमें मारना नहीं चाहिए। देन द ऑडियंस वुड रियलाइज हाउ रॉन्ग द थिंकिंग वॉज दे वुड प्रॉमिस टू बी मोर थॉटफुल मतलब जो ऑडियंस है जो गाड़गे महाराज की बातें सुन रहे हैं कि हम कितना गलत करते, हम जानवर को मार के वो खुदा बोलते ना गॉड को बलिदान करते थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि हमारा गॉड हमें ये नहीं सिखाता कि हमें बलिदान करना चाहिए किसी जानवर की, हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। आफ्टर द कीर्तन पीपल फ्लॉक टू टच गाड़गे बाबा'स फीट बट ही वुड नॉट अलाउ एनीवन टू डू दैट ही डिड नॉट लाइक पीपल टचिंग हिज फीट एज सून एज द कीर्तन वॉज ओवर ही स्पेड अवे लिविंग द क्राउड्स फार बिहाइंड डेवलप गुड क्वालिटीज दैट्स ऑल देर इज नो पॉइंट इन टचिंग माई फीट ही सेड। अभी बच्चों अगर आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर में जाते होंगे तो देखो मंदिर में जो साधु रहते हैं संत रहते हैं वो कैसे अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे भजन लोगों को सिखाते हैं और बहुत लोगों की भीड़ मच जाती है और लोग क्या करते हैं वो बाबा की इतनी रेस्पेक्ट करते कि उनका पाँव छूने लगते हैं। लेकिन जो गाड़गे महाराज है उन्हें पसंद नहीं था कि उनका कोई पाँव छूए उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अगर उनकी जो स्पीच ख़त्म हो जाती थी उनकी मतलब जो कीर्तन वो अच्छी अच्छी जो भगवान से रिलेटेड जो अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे उनका जो स्पीच ख़त्म हो जाता था वो तो वहाँ से निकल जाते थे, वो भीड़ों में से निकल जाते थे। उन्हें उनका मैसेज क्या था कि अच्छे काम दुनिया में करना मतलब अच्छे काम करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बोलते हैं ना आपस में मिलजुल के रहना, किसी को तकलीफ मतलब किसी जानवर को नहीं मारना, हमेशा अच्छे काम करना, सफाई से रहना और अच्छी तालीम के मैसेज देना कि अगर हम अच्छा काम करेंगे अच्छे पढ़ेंगे कामयाब होंगे तो हम अच्छे से दुनिया में सर्वाइवल कर पाएंगे। अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे खून खराबा करेंगे झूठ बोलेंगे चोरी करेंगे तो इससे गॉड विल गेट एंग्री गॉड नाराज़ होगा कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को चैरिटी करनी चाहिए। There is no point in touching my feet, he said. मतलब उन्होंने क्या बोला कि लोग जब वो स्पीच देते थे कीर्तन देते थे तो लोग उनका पाँव छूने लगते थे। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं तो वहाँ पे देखो साधु और संत रहते हैं तो देखो वहाँ पे लोग क्या करते हैं बाबा का पाँव छूने लगते हैं, लेकिन वो जो गाड़गे महाराज है वो बिल्कुल अलाउड नहीं कर रहे कि वो कोई भी उनका
पैर नहीं छुए, लोगों को हमेशा अच्छा मैसेज देते कि हमें दुनिया में हमेशा अच्छे काम करना है। तो अभी आगे हम देखेंगे गाड़गे बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किया है, तो हम उनकी ज़िंदगी में देखते हैं कि उन्होंने और क्या अच्छे काम किया है। बाबा फॉलो वन रूल टू द एंड ऑफ लाइफ, मतलब उन्होंने सिर्फ एक रूल को अपनी ज़िंदगी में वन रूल टू द एंड ऑफ आखिर तक इस्तेमाल किया है। वेर एवर ही वेंट, बीट अ विलेज, टाउन, स्मॉल सेटलमेंट, ही आस्क फॉर स्टडी, ब्रूम्स, स्पेड्स एंड पेंस। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी हमें हमेशा एक ही रूल को एंड तक अपनाया है। वो क्या है बच्चों, उन्होंने अगर वो गांव जाते थे, टाउन जाते थे और छोटे छोटे शहरों में जाते थे, मतलब लोगों से क्या बोलते थे कि आप लोग ब्रूम लाओ, जिसको हम झाड़ू बोलते थे, या स्पेड हम किसको बोलते बच्चों, फावड़ा, जिससे बोलते हो खड्डा खोदते हैं, अगर हमें गटर वगैरह खोदना होता है तो वो क्या होता है, बाबा क्या रिक्वायरमेंट मांगते थे, झाड़ू जिससे हम घर की सफाई करते थे, और स्पेड जिसको हम फावड़ा बोलते हैं, जिसे हमें खड्डा खोदना होता, गटर खोदना होता तो उसको हम फावड़ा बोलते हैं, और पैंस मतलब एक कढ़ाई, मतलब देन ही वुड स्वीप्स एंड क्लीन द होल एरिया, जिससे वो अपने एरिया की, जो गांव की और टाउन की या छोटे छोटे शहरों की सफाई करते थे। सून अदर पीपल ज्वाइन ही, बट ही डिड नॉट वेट फॉर डेट टू हैपन, मतलब वो खुद ही सफाई करने थे और लोगों को भी बोलते थे कि हमें हमेशा अपना हमारे एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखना है, हम जहाँ भी रह रहे, विलेज में रह रहे या टाउन में रह रहे या छोटे से शहर में रह रहे, हमें अपने एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखना है। ही स्टार्टेड स्वीपिंग एंड क्लीनिंग द प्लेस हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने एक क्लीनर सिखाया कि हमें हमेशा अपने एरिया को साफ रखना। जैसे हमारे घरों में देखो, मम्मी स्वीपिंग करती होगी ना आपके घर में, देखो अगर आपके घर में कुछ कचरा हो जाता होगा, गंदा हो जाता, तो वो देखो मम्मा क्या करती है, फटाफट सफाई करने लगती है। तो यहाँ पे लेकिन जो गाड़गे महाराज है, बाबा है, वो क्या हमें मैसेज दे रहे हैं कि हमें हमेशा अपने एरिया को साफ रखना है। हम जहाँ भी रह रहे, विलेज में रह रहे या टाउन में रह रहे या छोटे शहर में रह रहे, हमें अपने एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखना है। अगर बच्चों हमारा शहर, हमारा बिल्डिंग या घर गंदा रहेगा तो वो हमें अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। हमें तो हमें साफ सुथरा घर पसंद है ना, मतलब वो खुद ही सफाई करने लगते थे, वो किसी का इंतज़ार नहीं करते थे। एंड इफ एनी बाय स्टैंडर ट्राई टू बो टू बाबा वाइल ही वॉज बिजी इन दिस वर्क, दैट पर्सन वुड गेट अ स्मैक ऑफ द ब्रूम ऑन द बैक, मतलब उस दौरान अगर बाबा के बाजू में कोई खड़ा रहता, अगर उन्हें उनका वो झुकना चाहता था, मतलब कोई बाबा को मतलब पाँव छूना जाता था, अगर जैसे बाबा सफाई कर रहे, गाड़गे महाराज बाबा है जो अपने गांव की सफाई कर रहे, अगर उस दौरान उनके बाजू में कोई खड़ा हुआ रहता था, वो झुकना चाहता था और वो काम कर रहे थे, तो उसे मतलब वो झाड़ू वाला स्मैक उनके बैक पे मिलता था। जैसे हम देखो मंदिरों में जाते हैं तो देखो हमारे जो बाबा रहते, साधु रहते, देखो वो झाड़ू से हमारे बैक पे मारते हैं। We don't do any of this work. You don't do any of this work yourself. And when somebody else tries to do it, you put yourself in the way. Move aside. See how nice and welcoming this village look when it is clean. मतलब वो क्या बता रहे कि आप लोग ये काम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, कि अगर हमारा गांव अगर साफ सुथरा रहेगा, उसमें गंदगी नहीं रहेगी, तो देखो हमारा जो विलेज हो कितना खूबसूरत दिखेगा और सुंदर दिखेगा, कि हमें हमेशा अपने, हम जहाँ भी रह रहे, विलेज या टाउन या छोटे शहरों में, हमें हमेशा क्लीननेस को मेंटेन करना है, हमें एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखना है। इफ़ यू विजिट अ होली प्लेस इन महाराष्ट्र लाइक पांद्रापुर और नासिक और देहू और अलंदी, विल सी द वर्क ऑफ गाड़गे बाबा डिड इन दिस प्लेसेस, मतलब आप ऐसे होली प्लेस जहाँ पे भगवान की पूजा होती है, तो देखो महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी जगह है, पांद्रापुर और नासिक और देहू और अलंदी में, जहाँ पे गाड़गे बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ही हिमसेल्फ वर्क हार्ड, आस्क्ड फॉर हेल्प एंड बिल्ड फ्री बोर्डिंग प्लेसेस एंड घाट्स ऑन द रिवर एंड वाटर स्पाउट फॉर द पुअर एंड हेल्पलेस डिसेबल एंड द नीडी। ही स्टार्टेड प्लेसेस दैट ऑफर फूड फ्री ऑफ कॉस्ट। ही बिल्ड स्कूल एंड कॉलेज एंड हॉस्टल फॉर चिल्ड्रेन एंड ही सॉ गॉड इन द पुअर एंड मिसरेबल पीपल। सर्विंग दिस पीपल वॉज हिस वे ऑफ सर्विंग गॉड। अभी जो गाड़गे महाराज बाबा है, उनके बारे में हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने कितने अच्छे काम किए। मतलब महाराष्ट्र, जैसे हमारे मंदिर जाते हैं हमारे अपने एरिया में बहुत सारी मंदिर होती है, लेकिन महाराष्ट्र में इतनी फेमस हॉली प्लेसेस है जहाँ पे लोग भगवान की पूजा करते हैं, पांडापुर, नासिक और देहू आलंदी में। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम गाड़गे बाबा ने बहुत अच्छी तरह से किया है।
इन जगहों पे। मैंने ना उन्हें उनका मैसेज किया था लोगों की मदद करना, और उन्होंने कैसा एक फ्री बोर्डिंग प्लेस बनाता था जहाँ पे लोग जो यतीम हो, जो बोलते हैं ना हेल्पलेस यतीम बच्चे रह सके जिनका कोई माँ बाप नहीं है, और जो बोलते हैं ना जिनका कोई घर नहीं है, तो वहाँ पे वो फ्री में रह सकते हैं। उन्होंने घाट बनाया, रिवर बनाया कि लोग वहाँ का पानी इस्तेमाल कर सके, वाटर स्पाउट्स बनाया मतलब पानी की टंकी बनवाई, और फ्री ऑफ कॉस्ट पानी की एक नदी बनाई जिससे लोग पानी का इस्तेमाल कर सके। और गरीबों के लिए उन्होंने क्या बनाया, जो गरीब है बेचारे, जो काम नहीं कर सकते, जो बीमार है, जिनका हाथ पांव टूटा है, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसे लोगों के लिए उन्होंने खाना फ्री कर दिया। जो गरीब है, जो काम नहीं कर सकते, जिनके हाथ पांव ठीक नहीं है, सलामत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ऐसी जगह बनाई जहाँ पे खाना गरीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, मतलब बूढ़े बच्चे जो भी गरीब है, जो काम नहीं कर सकते, बोलते हैं ना जिनका हाथ पांव ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ऐसी जगह बनाई जहाँ पे लोग फ्री हो फ्री खाना खा सके। उन्होंने स्कूल बनाई और कॉलेज भी बनाया और हॉस्टल भी बच्चे लोग के लिए बनाया जहाँ पे जो बच्चे अच्छी तरह से तालीम स्कूलों और कॉलेज में हासिल कर सके, और बच्चों के लिए हॉस्टल भी बनाया। मतलब उनका ये मैसेज था कि हमें हमेशा गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। मतलब उन्होंने एक भगवान किस में देखा, एक गरीबों में देखा, और एक गरीब और एक परेशान दुखियारे लोगों में देखा। कि हमारे आसपास आपने बेघरों को देखा होगा, गरीब को देखा होगा, जिनके पास रहने को घर नहीं रहता, जो भीख भीख मांग के खाना खाते हैं, बोलते हैं ना उनके पास कुछ नहीं रहता, ना स्कूल जाते हैं, ना उन्हें उनके पास कपड़े रहते पहनने के, मतलब वो बहुत गरीब रहते हैं। मतलब ऐसे लोगों को हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। मतलब हम लोगों की मदद करेंगे तो ये भी एक अच्छा काम है जिससे गॉड हमें हमसे हमेशा हमेशा खुश रखा, कि गॉड ने हमेशा हमें कितना अच्छा रखा, हमारे हाथ पांव सलामत रखे हैं, हमारे आईज ठीक रखे हैं, हमारे सारे बॉडी के फंक्शन का अच्छी तरह से काम करें। तो वी शुड थैंक्स टू गॉड एवरी टाइम। मतलब हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया करना है कि डॉग हमें हमेशा अपने गॉड का हमें शुक्रिया करना चाहिए। वी शुड थैंक्स टू गॉड एवरी टाइम इन आवर लाइफ कि गॉड ने हमें कितनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, हमारे हाथ पांव सलामत रखा है, हमें अच्छा सा खाना दिया, हमें अच्छे अच्छे कपड़े दिए, अच्छे घर दिए, मम्मी पापा दिया है, भाई बहन दिया है। तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास ट्रीटमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो हमें ऐसी ऐसी जगहों में हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। मतलब हम उनका मैसेज क्या है गाड़गे महाराज का, कि हमें हमेशा दुनिया में अच्छे काम करना है, सफाई से रखना, मेंटेन रखना है, लोगों की मदद करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, कि हम हमेशा यूनिटी में हमें रहना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कि आज किस लेसन में गाड़गे महाराज के बारे में हमने कैसा पढ़ा कि वो कितने अच्छे ग्रेट इंसान थे, उनका मैसेज क्या था कि हमेशा हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। इस लेसन में आपने बच्चों देखा होगा कि गाड़गे महाराज ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, कैसे वो कैसे जगह जगह पे जाते थे और लोगों की मदद करते थे, और उन्होंने एंड में बहुत सारे अच्छे काम किए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, लोगों की बहुत मदद की। कि चलो बच्चों हम एक मीनिंग्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। अडॉन का मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना, सजाना। बैर का मतलब विदाउट एनी कवरिंग, मतलब जैसे बिना कवर किए हुए, जैसे हम जैसे गाड़गे महाराज ने जो चप्पलें पहनी थी, कभी कभी वो चप्पल पहनते भी नहीं थे, नंगे, मतलब उनके पांव हमेशा कभी कभी नंगे रहते थे। ह्यूमैनिटी हम किसने बोलते हैं, काइंडनेस, कंसिडरेशन फॉर अदर, दूसरों के लिए रहम पैदा करना। हाँ, फ्लॉक हम किसको बोलते हैं बच्चों, फ्लॉक का मतलब क्या है, गैदर कम टुगेदर, मतलब लोगों की भीड़ मस्ती है ना, जैसे हमारी मीटिंग में देखो बहुत सारे पेरेंट्स की फ्लॉक होती है, बहुत गैदरिंग होती है, ऑडियंस, पीपल हु गैदर टू लिसन समथिंग। जैसे हमारी यहाँ जब पेरेंट्स मीटिंग होती है देखो बहुत सारी ऑडियंस जमा हो जाती है और टीचर की बात सुनने लगती है। स्पेड अवे, वेंट अवे स्पीडली, मतलब वहाँ से फौरन रफ्तार होके चले जाना। स्टडी मतलब स्ट्रांग, बहुत ताकतवर। बैड स्टैंडर्ड हम किसको बोलेंगे बच्चों, पर्सन स्टैंडिंग नियर बट नॉट टेकिंग पार्ट इन व्हाट इज हैपनिंग, मतलब जो बैड स्टैंडर्ड का मतलब वो जो ऐसा इंसान जो आपके पास खड़ा है लेकिन कुछ काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। कि बच्चों आपका लेसन आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा कि गाड़गे बाबा के बारे में, गाड़गे महाराज के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें सीखी, वो कैसी साधारण सी जिंदगी उन्होंने गुजारा अपनी ज़िंदगी में, और अपनी लाइफ में हमें हमेशा अच्छे काम करने हैं।